गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कानूनगो है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सी प्रोग्रामिंग हिंदी सीरीज में आज हम मैक्रो एक्सपांशन के प्रैक्टिकल वर्जन को पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में मैक्रो के बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको मैक्रो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैक्रो को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैंने सी का एडिटर ओपन किया हुआ है। हम एक बेसिक प्रोग्राम मैक्रो के ऊपर, जो मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया था उसी के अलग अलग प्रकार के मैं एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझिए फ्रेंड। सो मैंने यहां पर मेरा एडिटर ओपन कर लिया है और इस एडिटर में मैंने जो प्रोग्राम हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था उसे मैं आज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने दो हेडर फाइल्स को का उपयोग किया है जिन्हें इंक्लूड करवाया है हैश इंक्लूड की सहायता से। ये बता चुका हूं मैं आपको कि हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और इसी के साथ साथ हैश डिफाइन का प्रयोग मैं कर रहा हूं। हैश डिफाइन मैक्रो को डिफाइन करता है प्रोग्राम के अंदर। यह भी एक प्रकार का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है और इसमें मैं मेरा मैक्रो लिख रहा हूं। यहां पर मेरा मैक्रो का नाम मैंने लिया था वयम और इसके आगे इसके वैल्यू मैंने दी 5। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी आप मैक्रो को डिफाइन करें उसके आगे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। नाउ हम लिख रहे हैं हमारा मेन फंक्शन। इस प्रकार से और यहां पर मैंने लिया आई के वैल्यू किया 0। clrscr क्लियर स्क्रीन फंक्शन और मैंने लिया है while लूप। इस while लूप के अंदर मैंने बोला I less than और मेरे मैक्रो का नाम वयम। जैसा मैक्रो आपने ऊपर डिफाइन किया है वैसा का वैसा आपको लिखना है। हम स्मॉल कैपिटल में अंतर नहीं कर सकते। नाउ इसको इसकी I की वैल्यू जो भी है हम उसे प्रिंट कराएंगे यहां पर। ओके गेट सी एच। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम तैयार है। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लें। डॉट सी एक्सटेंशन के साथ और प्रोग्राम का नाम मैंने दिया है डी मैक्रो 1। ओके सिंपल। यहां से मैं इसको ओके करता हूं। अब मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो मैं जैसे इसको कंपाइल करूंगा इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली, देयर इज नो एरर एंड नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ आई 0, 1, 2, 3, 4। सो आपने देखा कि यहां पर मैंने एक मैक्रो डिफाइन किया और उस मैक्रो की जगह पर जब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो कंपाइलर ने उसकी जगह पर यूज किया मैक्रो की वैल्यू, मैक्रो को मैक्रो के साथ दिया हुआ कोड एंड दैट कोड इज 5। इसी प्रकार हम इन प्रोग्राम्स में और बदलाव चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कि मुझे यहां पर फाइंड आउट कुछ कंडीशन अप्लाई करना है, मान लीजिए ओके तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई की। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा बदलता हूं
मैंने यहां पर लिए तीन वैल्यूज ए कॉमा बी एंड सी. और इन तीनों वैल्यूज को मैंने यहां से इंटर किया. वैल्यू इंटर करने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ फंक्शन का. मैं सिंपली इस प्रोग्राम का दूसरा वर्जन आपको बताना चाह रहा हूं. मैं चेक करना चाहता हूं तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है. ओके सो यहां पर जो लॉजिक है वो मैंने लगाया है कि यदि अब इसके लिए इस कंडीशन के लिए कंडीशन क्या आती है मेरे पास में. कंडीशन मेरे पास सिंपली आती क्या क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यदि ए बड़ा है बी से एंड ए इज ग्रेटर देन सी. सिमिलर ये कंडीशन हम लगाना चाहते हैं. अब मान लीजिए कि आप ये कंडीशन को मैक्रो बनाना चाहते हैं, मतलब इतना बड़ा कंडीशन आप लिखना ही नहीं चाहते. सो यहां पर आप क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स वाई जेड मान लीजिए नॉर्मल. और इसकी जगह पर मैंने लिखा यहां पर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं. मैंने लिखा यहां पर एंड इस प्रकार से. अब बात को समझना आपने, यहां पर मैंने दिया है मैक्रो नया बनाया है, यहां पर मैंने ऑपरेटर की जगह पे एंड लिख दिया है. सो यहां पर मैं ऑपरेटर का प्रयोग नहीं करते हुए मैक्रो का प्रयोग करूंगा, मैक्रो नेम का मान लीजिए. ओके तो कौन बड़ा हो गया इनमें से, यहां पर आ गया ए इज ग्रेटर. इस प्रकार से. और यदि ए बड़ा नहीं हुआ तो फिर बी इज ग्रेटर. ओके तो बी कैसे बनेगा, बी इज ग्रेटर देन ए. और यहां पर फिर से मैंने क्या लिया मैक्रो, और अगर ऐसा नहीं है कि ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है तो फिर कौन बड़ा हुआ, सी इज ग्रेटर. इस प्रकार से. तो इस एग्जांपल में हमारा मैक्रो जो है वो चेंज हो गया है. मैंने ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर की जगह पर मैक्रो का नाम यूज किया है, दैट इज एंड. मैं इसको कंपाइल करूंगा, देयर इज नो एरर. इंटर वैल्यू ऑफ ए बी सी 12 15 एंड 10. सो बी इज ग्रेटर, दिस इज अवर प्रोग्राम. अब यदि मान लीजिए कि मैं ये पूरा का पूरा नहीं लिखना चाहता, ये पूरा नहीं लिखना चाहता मैं, तो मैं यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं. क्या कर सकता हूं मैं,
मैं एक प्रोग्राम में मल्टीपल मैक्रोस का प्रयोग कर सकता हूं, हैज डिफाइन, और यहां पर मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ओके, और इसकी जगह पर पूरा का पूरा कंडीशन ही लिख दिया मैंने। देखें, यदि ए इज ग्रेटर देन बी और एंड एंड ब्रैकेट क्लोज ए इज ग्रेटर देन सी, इस प्रकार से, तो इस पूरी जगह पर यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंपली, पूरी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, अब यहां लिख सकता हूं एक्स वाई जेड इस प्रकार से। सो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, सो अगेन प्रोग्राम चलेगा, बी इज ग्रेटर। सो आप इस तरीके से मैक्रो के प्रोग्राम्स को डिफाइन कर सकते हैं, ओके? एक और एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम मैक्रो का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझा दूं। सो माना कि हम मैक्रो को यूज कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, मतलब मैक्रो में हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं वैल्यूज को फंक्शन के तरह, जैसे हम फंक्शन में पास करते हैं ना, उस प्रकार से। सो हम कैसे या किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करेंगे वो हमको समझना है अब। सो माना कि मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं रेक्टेंगल का, है ना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत। सो मैंने यहां पर मेरी फाइल्स लगा ली, stdio.h और conio.h, ओके, और मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, सो हैज डिफाइन, और यहां पर मैंने लिया मेरे फंक्शन का नाम। मान लीजिए मेरे फंक्शन का नाम है, मेरे मैक्रो का नाम है वयम, मान लीजिए, ओके, और इस वयम के अंदर मैंने दो आर्गुमेंट लिए, एल एल कॉमा बी, और इनकी जगह पर क्या आएगा, तो इनकी जगह पर हम लिखेंगे एल इंटू, सॉरी, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। नाउ यहां पर आएगा वॉइड मेन, आप बात को ध्यान से समझना, ये मेन फंक्शन हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूं यूजर से वैल्यू लेना, ओके, सो प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ एल कॉमा बी स्कैन एफ परसेंट ऑफ डी परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ एल कॉमा एड्रेस ऑफ बी, इस प्रकार से। नाउ अब मैं मेरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, अब आप बात को ध्यान से समझें, यहां पर मैंने एक वेरिएबल और लिया, दैट वेरिएबल इज ए और एल और बी, सो एल, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, ए कॉमा सॉरी एक्स कॉमा वाई भी ले सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, आप एल और बी भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं यहां से, अब वो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं यहां से एक्स और वाई लेता हूं, और अब मैं यहां यूज करूंगा ए इक्वल टू हमारे मैक्रो का नाम दैट इज वयम, और इसमें मैं पास करूंगा वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, सो एक्स कॉमा वाई
इस प्रकार से. एंड नाउ प्रिंट ए. और ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है. यहां पर हमने यूज किया मैक्रो एज अ आर्गुमेंट. अब आप देखिए, ध्यान से समझिए बात को. यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही ये आपने यहां पर मैक्रो डिफाइन कर दिया कि भैया इस स्टेटमेंट की जगह हमको ये कोड का यूज करना है. अब जैसे ही सोर्स कोड को कंपाइलर ने रीड किया है एट द कंपाइलेशन टाइम, तो उसने ये देखा कि यहां पर एक मैक्रो है और इस मैक्रो की जगह हमको ये कोड का इस्तेमाल करना है. अब ये इस प्रकार का मैक्रो प्रोग्राम में कहीं पर भी आएगा, उसकी जगह उसका कोड रिप्लेस होगा इससे. अब बात को ध्यान से समझिए. आपने यहां से वैल्यू पास करी, यहां पर दिखा वयम, ये रहा वो मैक्रो जो आपने दिया है. यहां पर इसकी जगह पर आ जाएगा ये वाला कोड, यहां पर यह कोड एक्सपांड हो जाएगा. That means यहां पर आ जाएगा L into B. Simply ये जो X और Y की वैल्यू है, माना कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आपके सामने यहां पे मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ L कॉमा B, और मान लीजिए आपने वैल्यू दी 2 और एक वैल्यू दी आपने 3, तो 2 आ गई X में और 3 आ गई Y में. जब ये कोड रिप्लेस करेगा कंपाइलर, तो L में डाल देगा 2 और B में आ जाएगा 3 into O के resulted value is 6, और यहां पर वो वैल्यू प्रिंट होगी एज अ रिजल्ट 6. सो हम मैक्रो डेफिनेशन का प्रयोग एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन की तरह भी कर सकते हैं. एक्चुअल में फंक्शन के जैसा नहीं होता है वर्किंग, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि फंक्शन के जैसा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हम हमारी वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट की तरह हम इसमें पास कर सकते हैं. ओके, तो मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे. ये हमारा इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंजेस यहां पे कर लेता हूं. सो ही हैज डिफाइन, यहां पर हमने लेना है हमारे मैक्रो का नाम, एंड दैट मैक्रो इज वयम, एंड ब्रैकेट में आएगा एल कॉमा बी, उसकी जगह कोड आ जाएगा एल इंटू बी. सेमीकोलन आपको नहीं लगाना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. इस कोड को हम हटा देते हैं. अब यहां पर हमको चाहिए दो वेरिएबल एक्स एर और वाई. सो यहां पर आ जाएगा एक्स कॉमा वाई. तो यहां से हम वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा. यहां पर आएगा वाई, यहां पर आएगा एक्स. ओके, परसेंटी, ये हो गया आपका स्कैन एफ, और ये पूरा वैल्यू यहां से हट जाएगा. ओके, अब इसके अंदर हमने कॉल किया, सो हमको यहां पर लेना पड़ेगा एक और वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज A. इस प्रकार से, और यहां पर आएगा एक वल टू, हमको लिखना है मैक्रो का नाम. सो वयम, और उसमें पास क्या कर देंगे, x कॉमा वाई. आप कॉन्स्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, x कॉमा वाई, इस प्रकार से, और a की वैल्यू हम प्रिंट करा लें. इस प्रकार से अभी हम इसको कंपाइल करते हैं. सो देयर इज वन एरर स्टेटमेंट मिसिंग. ओके, कॉलिंग यहां पर देयर इज नो एरर. इंटर वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, मैंने वैल्यू दी 2 एंड 3, द एरिया इज 6. सो इस प्रकार से हम मैक्रो एक्सपांशन का प्रयोग कर सकते हैं फंक्शन की तरह भी.
ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने मैक्रो के बारे में कुछ प्रैक्टिकल करके देखे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मैक्रो और फंक्शन के बारे में बात करूंगा, दोनों में क्या डिफरेंसेस है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट दी बेल आइकॉन। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के द्वारा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।